सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के तत्वावधान में चल रहे पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे को लेकर प्रदेशव्यापी कार्मिक अनशन शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण के बंटवारे को लेकर धरना दिया। कार्मिक अनशन में केशव राजभर, अभिषेक चंद्र, पवन राजभर, मनोज चौहान, विनोद मौर्या, बादाम प्रसाद, पूजा राजभर सहित पिपराइच, कैंपियरगंज और जिले के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के पार्टी अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रजापति ने कहा, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रजापति, मैं कैंपियरगंज विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की ये कर्मी कंसन जो चल रही है भारतीय सामाजिक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग है, ये कैबिनेट में पास करा के इसकी मंजूरी दें और ये पिछड़ा वर्ग को 3 कैटेगरी में बंटवारा करने के लिए ये हम लोगों का कर्मी कंसन चल रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा अभी तक नहीं, जब तक ये हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी हम लोगों का ये कर्मी कंसन जारी रहेगा।